स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं अभिषेक महाजन। हमारे साथ आज पिस्टल शूटर अनीश भानवाला है, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कायरो इजिप्ट में हुए थे। हमारे साथ हैं वो, और ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें भारत का ओलंपिक पदक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर भारत ज्यादा मेडल इस इवेंट में नहीं जीत पाया। क्या कारण है, अनीश से जानेंगे, और ये मेडल इनके लिए क्या मायने रखता है। बहुत स्वागत है आपका अनीश डीडी न्यूज में, हमारी खास पेशकश में। सबसे पहले तो बताइए, बहुत बधाई आपको ये मेडल जीतने के लिए, और बताइए कितना बड़ा आपके लिए मेडल है, क्या मायने रखता है। आपका सीनियर वर्ल्ड कप में ये पहला मेडल भी है, कितना बड़ा मेडल है आपके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ICCF वर्ल्ड कप का मेडल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ इस मेडल को जीत के, बिकॉज इंडिया के पास ओलंपिक मेडल है ऑफ कोर्स, विजय कुमार सर ने लंदन ओलंपिक्स में जीता जी, बट वर्ल्ड कप्स में या फिर एशियन गेम्स में, लाइक जो मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैं, उसके अंदर इंडिया के पास इसमें कम मेडल्स हैं काफ़ी। तो ये मेडल मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल है वर्ल्ड कप का। इससे पहले मैंने जूनियर वर्ल्ड कप्स में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, 7-8 मेडल जीते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लगभग जितने जूनियर वर्ल्ड कप्स खेला हूँ सब में 2-2, 3-3 मेडल्स है। लाइक जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, सब कुछ किया, बट सीनियर्स में अभी मेरी एंट्री हुई अच्छी, और ये मैं मेडल के साथ स्टार्ट किया। आपको लगता है काफ़ी समय लग गया पहला वर्ल्ड कप मेडल जीतने में सीनियर में? बिल्कुल, मैं पिछले 5 साल से नेशनल टीम में हूँ सीनियर्स की, तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। पिछले 10 वर्ल्ड कप्स मैंने खेले लगातार, सबसे एक्सपीरियंस मिला। तो अभी मैं 20 साल का हुआ हूँ, तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा एज नहीं है, मैं इस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे मेडल्स जीत सकता हूँ। नहीं, मैं प्रेशर आप पर नहीं डालना चाहता, मैं जानना चाहता था कि ये जो मेडल है इसमें ज़्यादा समय लगा है, या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही टाइम पर आया। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन आप बताइए ये मेडल आपको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपके कोच जो पर्सनल कोच है हरप्रीत सिंह, जो खुद कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, 2010 में मुझे याद है वो कॉमनवेल्थ मेडल जीते थे, 2014 में भी वो जीते थे। आपके पर्सनल कोच का बहुत बड़ा योगदान है आपके मेडल में, और खासकर गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहा है और माता पिता का कितना सपोर्ट रहा है, किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये मेडल? जी बिल्कुल, मेरे पर्सनल कोच हरप्रीत सर हैं, जिन्होंने मेरे को मतलब सपोर्ट किया था कि हाँ भाई ये अच्छा कर सकता है। उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से ही हैज बीन माई कोच, तो बहुत योगदान रहा है उनका मेरे को एक कम टाइम में अच्छा शूटर बनाने में। और ये मेडल हम दोनों के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए बहुत सारे वर्ल्ड कप्स खेले, उनका भी सपना था कि मैं वर्ल्ड कप मेडल जीतूं, तो वो सपना वो मेरे में देख पा रहे थे और मैंने वो सपना पूरा किया, तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है और मैं भी बहुत खुश हूँ इससे। बिल्कुल, और विजय कुमार की आपने बात करी, 2012 लंदन ओलंपिक्स में वो मेडल जीते थे। हम कहें कि वर्ल्ड कप में भी जो मेडल जीते हैं इस इवेंट में वो विजय कुमार ने ही जीते हैं। उन्होंने आपसे बातचीत करी, आपने मेडल जीतने के बाद उनसे बात करी क्या? जी बिल्कुल, मेरा सीनियर्स के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। विजय कुमार सर, उन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीता है, देश का नाम बहुत ऊँचा किया था, पिस्टल शूटिंग का पहला मेडल लिया था। वो मेरे एक अच्छे फ्रेंड की तरह है। 2017 में हम लोगों ने साथ में नेशनल मेडल जीता, और मेरे रूममेट रहे कुछ कॉम्पिटिशन्स में, तो उनसे भी बहुत सीखने को मिला, मोटिवेशन मिलती है कि हमारे साथ एक ओलंपिक मेडलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ ट्रेनिंग करके। बिल्कुल अनीश, और सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, सरकार का कितना सपोर्ट रहा है, आपके स्पॉन्सर्स का कितना सपोर्ट रहा है, और NRAI फेडरेशन वगैरह का, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सपोर्ट मिलता है तो आपका जो मेंटल जो प्रेशर है ना वो शायद कम हो जाता है। जी, एक खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज मेडल तो वो लेता है, परफॉर्म वो करता है, बट उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऑफकोर्स हमारी फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरी ट्रेनिंग के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे को मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं, और साई और टॉप्स की तरफ से जो मेरे इंटरनेशनल एक्सपोजर कॉम्पिटिशन है या फिर ट्रेनिंग है या कोच प्रोवाइड करना है, तो उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा सपोर्ट है। रेदर देन दिस, मेरे प्राइवेट स्पॉन्सर जो मेरे को 2017 से OG की भी सपोर्टिंग में, तो रिलेटेड टू फिजियोस, कोचिंग, ऑल द ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन, सारी फैसिलिटीज मेरे को अच्छे से मिल पा रही है। चलिए विजय कुमार पर एक बार मैं फिर से आना चाहूँगा। आपने कहा कि आपका सारे जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, उनके साथ कुछ खास रिश्ता है, क्योंकि ओलंपिक में वो मेडल जीते, उसके बाद हम कहें कि अगर भारत मेडल 12 साल बाद जीता है आपके थ्रू,
तो हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय शूटिंग बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उस इवेंट में क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। विजय कुमार के साथ आपके कैसा रिश्ता है ये बताइए, और प्लस ये भी बताइए कि ये क्या सबसे बड़ा कारण है कि इस इवेंट में हमारे मेडल बहुत कम है। जी, कारण तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैं पिछले 5 साल से आया हूँ। इतना जरूर है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहता है इंटरनेशनली रैपिड फायर में, बट हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, फेडरेशन इज सपोर्टिंग अस। हम टारगेट कर रहे हैं कि हम ऑफकोर्स रैपिड फायर में भी अच्छा परफॉर्म करें। तो विजय सर के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मेनली तो आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम हिम बिकॉज एक ओलंपिक मेडलिस्ट जब साथ में ट्रेनिंग करता है तो एक अलग ही एनर्जी होती है। एंड मेनली हरप्रीत सर जो मेरे कोच हैं पर्सनल, वो रैपिड फायर के बड़े अच्छे शूटर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही गाइडेंस दी, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, तो वो रीजन था कि मैं इतने कम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाया। विजय कुमार, कैसे इनफॉर्मली बात करते हैं आपसे, और आपने ये भी एक स्टोरी बताई थी कि शायद आपके फादर को उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत आगे जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 2016 की बात है, 17 में आप शायद नेशनल चैंपियनशिप। हाँ जी हाँ जी, 2016 में एक नेशनल ट्रायल्स हुए थे केरला के अंदर, तो मैं 550 के आसपास स्कोर मारा था, एक बहुत बेसिक्स का स्कोर है, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को बताया कि ये बड़ा अच्छा कर रहा है, मैं कुछ देख पा रहा हूँ उसके अंदर कुछ खास, और देखना कि अगला मुकाबला इसका और मेरा साथ में होगा। और ऐसा ही हुआ, एक साल बाद हम फाइनल्स में एक साथ खड़े हुए थे और हम दोनों पोडियम पे फिनिश किया। नाइस। खेलो इंडिया का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बैंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कवर किए थे, यूथ गेम्स का बहुत बड़ा रोल है कि बहुत ज़्यादा शूटर्स नहीं सारे खिलाड़ी जो ग्रास रूट लेवल पे जो फोकस हो रहा है इसमें सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं देख रहा था कि जो आपका सोशल मीडिया था मेडल जीतने के बाद, मैं स्क्रॉल करके देख रहा था कि वो पूरा फ्लडेड, जब हम कहते हैं ना बिल्कुल फ्लड आ गया था जैसे, किसका सबसे स्पेशल लगा आपको मैसेज? आई एम श्योर आपने सारे मैसेजेस तो पढ़े होंगे, किसका सबसे स्पेशल लगा आपको मैसेज? जी, मेरे को काफ़ी बधाई आई लाइक सोशल मीडिया पे, आई चेक आफ्टर द कॉम्पिटिशन, सो मेनली द फेडरेशन द गवर्नमेंट दे वर वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैंने मेडल लिया, तो मुझे लगा वो लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। राइट। अब नेक्स्ट क्या, भोपाल में वर्ल्ड कप है अगला, उसकी तैयारी चल रही है और भोपाल आपका हैप्पी हंटिंग ग्राउंड भी रहा है, उसके बारे में बताइए। जी, अगला वर्ल्ड कप अब भोपाल में होने जा रहा है 20 मार्च से, उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन है, और रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी भोपाल में, वहाँ पे मैंने 590 का न्यू नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया था, तो इट्स अ वेरी गुड रेंज, मेरे को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है उस रेंज में, तो उसके लिए अच्छी तैयारी करूँगा। टोटल हम देखें तो 7 मेडल हम जीते इस वर्ल्ड कप में जो कायरो में हुए, इजिप्ट में, भारतीय टीम की परफॉर्मेंस आप कैसे रेट करते हैं? आपको लगता है कि एक दो मेडल्स जैसे मनु भाकर का मिस हो गया, ये आ सकते थे एक दो मेडल्स और? जी बिल्कुल, कुछ शूटर्स के आए कुछ के मिस हुए, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बिकॉज हमने मेडल टैली में फर्स्ट पे फिनिश किया, तो ऑफकोर्स नेशनल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एंड नॉट जस्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, इससे पहले भी जितने वर्ल्ड कप्स थे और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो शूटिंग का आई थिंक इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर है। माइंडसेट आपका क्या था जब आपका टफ कॉम्पिटिशन था वो रैपिड फायर के लिए, क्रिश्चियन राइट्स वगैरह को आपने मात दी, हालांकि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते कि जब आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे शायद तब आपको लगेगा कि आपने उनको हरा दिया, क्या माइंडसेट था, कितना बड़ा प्रेशर था उस समय, और जीतने के बाद का एक बहुत बड़ा सुकून मिला कि हाँ मैंने अचीव किया है ये मेडल? इस वर्ल्ड कप के लिए मेरी अच्छी तैयारी थी और मेरे ट्रायल्स नेशनल्स बड़े अच्छे गए, तो वहाँ पर भी मैं उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर पाया, तो इसलिए शायद मैंने मेडल फिनिश किया। बट यस, लाइक शूटिंग है या कोई स्पोर्ट्स है उसमें जीत और हार तो चलते रहती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे अच्छे शूटर्स थे तो मेरा दिन अच्छा था, या फिर दिन की बात होती है कि आई वॉन द मेडल। और क्रिश्चियन राइट्स ने, वो आपके पास आए, आपसे बात की, उन्होंने आपके लिए शायद फैन बॉय मोमेंट था वो? जी, ओलंपिक चैंपियन है क्रिश्चियन राइट्स, तो वो मेरे साथ फाइनल्स में थे, पहले भी ऐसा हुआ है, बट दिस टाइम वो फोर्थ पे फिनिश किया एंड आई गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल, तो बट उसके बाद फाइनल्स के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने, तो बहुत फैन बॉय मोमेंट था मेरे लिए और मैं भी बहुत खुशी उस चीज़ से। बिगेस्ट टेक अवे की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप से, तो आपके लिए वो क्या है? इस वर्ल्ड कप से बिगेस्ट टेक अवे है कि हम भी ये कर सकते हैं, रैपिड फायर में भी वर्ल्ड कप मेडल लेना बहुत मुश्किल नहीं है,
अगर हम अपनी टेक्निक पे फोकस रखें, माइंड को शांत रखें, ट्रेनिंग अच्छे से करें, तो हम भी मेडल ले सकते हैं। और कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, कंपटीशन किस तरह का था? ओलंपिक चैंपियंस, फॉर्मर ओलंपिक चैंपियंस भी आए थे उसमें, किस तरह का कंपटीशन था और कंडीशंस वहां पर किस तरह की थी? इजिप्ट में इससे पहले मैं दो कॉम्पिटिशन्स खेल के आया था पिछले साल, तो रेंज अच्छी है, मैं वहाँ पे यूज्ड टू हूँ थोड़ा सा रेंज पे अभी। तो कंडीशंस ऑफ कोर्स, लाइक कंपटीशन वाइज बात करें तो वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स वहाँ पे थे, तो स्कोर्स वेर हाई, काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, तो इसलिए इंटरेस्टिंग भी था वहाँ पे मेडल लेना। चलिए, अनीश भानवाला कह रहे हैं कि वहां पे काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत मायने रखता है ये जो ब्रॉन्ज मेडल वो यहाँ पर जीते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और बातें करेंगे अनीश भानवाला के साथ। आप डीडी न्यूज़ देखते रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। हमारे साथ पिस्टल शूट अनीश भानवाला हैं जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अनीश, शूटिंग कैसे स्टार्ट हुआ, प्रोफेशनल शूटिंग किस एज में आपने शूटिंग स्टार्ट की? और आपके पिता लॉयर हैं, उन्होंने आपको एनकरेज किया, क्या रीज़न था शूटिंग को प्रोफेशनली शुरू करने का? जी, मेरा स्पोर्ट्स में आने का सबसे बड़ा रीज़न मेरे पापा ने जो मुझे यू नो स्पोर्ट्स में डाला, इंटरेस्ट दिखाया इस चीज़ का। बिकॉज हर पेरेंट अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं डालता है, सोचता है कि टाइम खराब होगा, बट पापा ने सोचा कि फिटनेस अच्छी रहेगी। कौन सी ईयर की बात? ये आई थिंक 2011 की बात है, फोर्थ क्लास। अच्छा, तो चौथी में मेरे को स्विमिंग स्टार्ट की अलॉन्ग विद माई सिस्टर। तो स्विमिंग के बाद मैं उसमें अच्छे रिजल्ट थे, आई प्लेड स्टेट चैंपियनशिप एंड ऑल। उसके बाद आई वेंट टू मॉडर्न पेंटरलैंड, उसमें कोच फ्रॉम करनाल सत्यवीर पोसवाल सर थे, उन्होंने पेंटाथलन के बारे में बताया, रनिंग, स्विमिंग, शूटिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग वाज देयर। ठीक है, तो मैंने पांचों स्पोर्ट्स खेलने स्टार्ट किए पेंटाथलन के लिए, और बहुत ही कम टाइम में मैंने 2013 गोवा में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। स्विमिंग में बोल रहा हूँ, मॉडर्न पेंटाथलन के अंदर जी। तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, फिर एशियन चैंपियनशिप खेला, बट वही है कि सुविधा पांचों स्पोर्ट्स की एक सिटी में होना, साथ में स्कूल की स्टडीज कवर करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए फिर हम शूटिंग मुझे उसमें से बहुत पसंद आया, एक तो मेरा इंटरेस्ट भी था और मैं रिजल्ट्स भी अच्छे देख पा रहा था, इसलिए फिर मैं शूटिंग पे पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। तो आपने मतलब आपका खुद का डिसीजन था कि आप शूटिंग करेंगे, या आपने डिस्कस किया घर वालों के साथ? जी, मैं तो उस टाइम पे 6th 7th क्लास में था, तो ऑफ कोर्स फैमिली का नहीं होता है। शूटिंग मतलब मेरा इंटरेस्ट था, बट डिसीजन फैमिली का था। बट शूटिंग के लिए ऑफ कोर्स फैमिली ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, पापा ने अपना लाइक कह सकता हूँ कि काम ऑलमोस्ट बंद करके ही शिफ्टेड टू फरीदाबाद, हम लोग यहाँ पे करनी सिंह रेंज पे ट्रेनिंग करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे गुड कोचेज और रेंज सब फैसिलिटीज थी, 25 मीटर की रेंज यहीं पे है। तो मैं सिस्टर मम्मी पापा के साथ वी शिफ्टेड हेयर फरीदाबाद में। तो दिस वाज अ वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना सैक्रिफाइस करना। सही बात। सो आई एम बहुत ही थैंकफुल हूँ पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना। आप क्या कहते हैं कि सही था? आप भी शायद, आप तो थैंकफुल हैं ही, वो भी कहते होंगे कि हमने सही डिसीजन लिया। बिल्कुल, वो खुश है हमारी परफॉर्मेंस से, लेकिन अभी ट्रैवल करते हैं आपके साथ? वो इंटरनेशनली बहुत कम, बट डोमेस्टिकली दे आर एवरी टाइम विद मी, एवरी डे ऑन रेंज, मॉर्निंग टू इवनिंग माय फादर इज ऑलवेज देयर विद मी। तो आपको प्रेशर आता है उससे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे पापा देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिकॉज आई एम यूज्ड टू ऑफ दिस, मैं कभी अकेला रेंज पे आया नहीं। अच्छा, तो हमेशा हम साथ में आते हैं, इट्स लाइक अ सपोर्ट, बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती, और पेरेंट्स के जब गाइडेंस में बच्चा ट्रेनिंग करता है तो ही इज मोर सीरियस। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से मैं अच्छी ट्रेनिंग की और ज़्यादा टाइम दे पाया शूटिंग को। राइट, आपने कहा कि आपने स्विमिंग से स्टार्ट किया, फिर कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया,
कुछ चैंपियनशिप्स भी आपने जीती पेंटेथलॉन में, उसके बाद क्रिकेट क्यों नहीं, फुटबॉल क्यों नहीं, हॉकी क्यों नहीं, कन्वेंशनल स्पोर्ट्स जो है वो क्यों नहीं, व्हाई शूटिंग? मैं स्टार्टिंग से ही स्कूल में लाइक रनिंग की या छोटी छोटी स्पोर्ट्स मीट एक्टिविटीज होती थी उसमें बहुत इन्वॉल्व था. स्टार्टेड विद स्केटिंग, मतलब कि फिर क्रिकेट मुझे पसंद था जो यूजुअली हर बच्चे को होता है. लोकल घर के पास जो पार्क था उसमें खेलते थे. बट जब डिसीजन हुआ कि स्पोर्ट्स में आना है तो माय फादर थॉट कि इसे मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट में डालना चाहूँगा. अच्छा. कि जिसमें कुछ सिलेक्शन ऑल सब चीज़ें फेयर होनी चाहिए, कि जो मैं परफॉर्म कर वो मुझे मिलना चाहिए. बिल्कुल. इसलिए ही आई एम चोज शूटिंग एंड अर्लियर स्विमिंग एंड देन शिफ्टेड टू शूटिंग. आपने कहा कि जब आप छोटे थे जब क्रिकेट खेलते थे तो वो शायद आपको फिट करना चाहते थे, तो आप क्या मतलब चबी थे पहले शुरू में क्या क्या नहीं, नहीं बल्कि आई थिंक जो मेरी फिटनेस अभी है वो मेरी शुरू से थी, बल्कि इससे ज्यादा फिट भी था. अच्छा. जब क्योंकि जब मैं ये अदर स्पोर्ट्स करता था रनिंग स्विमिंग तो उसमें तो ऑफ कोर्स फिटनेस बहुत ज्यादा हो गई थी. डाइट ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है स्विमिंग करके. हां जी हां जी बिल्कुल. तो बट शूटिंग में क्या है कि वी नीड बैलेंस एंड वी आर स्टिल ऑन अ फायरिंग पॉइंट, तो बहुत ज्यादा हाई फिटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ज्यादा मेंटल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल. फिटनेस की आपने बात करी, डाइट को लेकर आप कितना कॉन्शियस है? शूटिंग में जैसा आपने बताया कि जो मेंटल फिटनेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट को लेके भी आप कॉन्शियस रहते हैं? मेरा जैसे अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है अपनी टेक्निकल थिंग्स पे, बिकॉज जो हम शूट करेंगे हम जिस तरीके से चलाएंगे उस हिसाब से गोली वहां पे जाके लगेगी, उस हिसाब से हमें स्कोर मिलेगा. बट उसके साथ में सारे जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. तो फिटनेस पे भी आई हैव शेड्यूल इन इवनिंग, मैं रेंज पे जिम में फिटनेस करता हूँ एंड योगा एंड मेडिटेशन फॉर मेंटल स्ट्रेंथ, शांत रहने के लिए. और बिकॉज शूटिंग में माइंड कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एक जगह पे शांत रहे, जोन में रहे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है. और डाइट की बात करें तो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है और मुझे वो बहुत पसंद है, ज्यादा मैं खा लेता हूँ कभी कभी, टेस्टी काफी बनाते हैं. बाहर कभी खाते हैं? क्या फेवरेट है आपका बाहर का खाने में? जंक फूड मैं अवॉइड करता हूँ. कह रहे हो कि जंक फूड खा लेता हूँ. यहाँ पे लोकल इंडिया में जब भी होता हूँ मैं अवॉइड करता हूँ. अच्छा. तो हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं फॉरेन कॉम्पिटिशन्स के लिए वहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें काफी बाहर का खाना खाना पड़ता है जंक फूड, इसलिए इंडिया में डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ. अच्छा. तो मेंटल फिटनेस आपने बताया कि आप जब भी रेंज में आते हैं तो मेंटल फिटनेस पे काम करते हैं, क्या करते हैं, मतलब डिफिकल्ट था इनिशियली, और ये कब से स्टार्ट हुआ आपका कि मेंटल फिटनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? जी शूटिंग स्टार्ट की सीनियर से, कोचेस की गाइडेंस से पता लगा कि, और खुद भी फील किया कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है. हम ट्रेनिंग में रिलैक्स्ड हैं, कॉम्पिटिशन में बहुत प्रेशर में आ रहे हैं, उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था. एक्सपीरियंस ने भी बहुत कुछ सिखाया है, और लाइक मेडिटेशन, ब्रीदिंग, योगा, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस किया कैंप्स में, कोचेज ने सिखाया और घर पे किया, तो बहुत हेल्प मिली. अनीश, मेंटल फिटनेस की आपने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, आपको लगता है कि मेंटल कंडीशनिंग कोचेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है और हर स्पॉट के साथ होना चाहिए एक मेंटल कंडीशनिंग कोच? मतलब मेंटल कंडीशनिंग आई विल से कि जरूरी है. हो सकता है आपके पेरेंट्स वो रोल आपके लिए निभाएं, या आपका कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर और योर कोच, या फिर कोई सीनियर शूटर, या आपका कोई अच्छा फ्रेंड. बिकॉज कई बार एथलीट कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ज़्यादा नाराज़ हो जाता है या फिर दिल पे ले जाता है उस चीज़ को, तो वैसा नहीं होना चाहिए. मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, बिकॉज जब तक मैं ट्रेनिंग में मेहनत करके गया हूँ, कॉम्पिटिशन में रिजल्ट कुछ भी हो, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, कि उससे सीखता हूँ. मतलब जीत नहीं मिली तो एटलीस्ट कॉम्पिटिशन से सीख लेके उसे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में ट्राई करो. चलिए अनीश, रेगुलर शेड्यूल के बारे में आपने बताया, मेंटल फिटनेस पे भी काम करना होता है, प्रैक्टिस भी है, जिम भी जाना होता है, डाइट का भी ध्यान रखना होता है, अनवाइंड कैसे करते हैं जो भी बहुत ज़रूरी है जी, आई थिंक वो भी एक मेंटल फिटनेस का पार्ट है, कैसे अनवाइंड करते हैं आप? लाइक 2-3 महीने को कैंप्स हो जाते हैं, ट्रेनिंग होती है और फिर इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन से पहले, तो उसके बाद रिजल्ट उसमें कुछ भी हो, हम जीते हों या फिर ना जीत पाए हों, उसके बाद अपने आप को रिवाइंड करना और वापस से न्यू स्टार्ट के लिए बीच में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है. मैं या तो फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाता हूँ. अच्छा. या फिर
अपने रेगुलर टाइम पे भी इवन ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे टीटी खेलना पसंद है, पूल खेलना पसंद है और स्विमिंग पूल में जाना पसंद है, बिकॉज स्विमिंग मेरी हॉबी रही है शुरू से, पहले प्रोफेशनली भी किया है स्विमिंग को, उससे माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। कौन सी लास्ट जगह गए थे आप घूमने के लिए? लास्ट अभी आई वॉज ट्रेनिंग इन जर्मनी, तो बीच में मैंने ब्रेक लिया और विजिट किया स्विट्जरलैंड को। माय अंकल स्टेज देयर, सो वापस आने का मन नहीं किया होगा। हाँ बिल्कुल, मन तो क्या है कि उसके बाद कॉम्पिटिशन था, बट इतना जरूर है उसका नेक्स्ट वेकेशन ऑलरेडी प्लान कर लिया है। तो आप अनवाइंड, आपने कहा कि घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, मूवीज वगैरह भी देखते हैं? बिल्कुल, जब कैंप में जैसे मान लो छुट्टी है किसी दिन तो कुछ ना कुछ करना होता है, तो कभी मान लो फ्रेंड्स के साथ प्लान बन जाता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। सारे अपने शूटर्स के साथ बैठ के मूवीज वगैरह देखते हैं जी। कौन सी लास्ट मूवी देखी आपने? लास्ट अभी इस कायरो वर्ल्ड कप कैंप में आई वेंट टू वॉच पठान। अच्छा जी, अच्छा ओके नाइस, तो अच्छी लगी मूवी? बिल्कुल, काफी अच्छी मूवी थी। हाँ, तो आपके फेवरेट एक्टर? मेरे को ये एक्शन वाली मूवी जिसमें मार धाड़ है, गन्स चल रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स पसंद आती है। अच्छा, तो शाहरुख खान फेवरेट एक्टर भी है आपके? हाँ, वो अच्छे हैं, उनका स्टारडम मुझे पसंद है, सो काफी एक्टर्स मुझे पसंद हैं जिनका मुझे काम पसंद है। शाहरुख के अलावा जी अक्षय कुमार जी मुझे अच्छे लगते हैं। एक्शन हीरोज आपको? एक्शन हीरोज पसंद आते हैं जी। ओके, एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो? एक्ट्रेस मेनली तो एक्टर्स की मूवीज में ज्यादा देखता हूं, बिकॉज़ जिसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक्ट्रेस पसंद ना हो, ये हम बता नहीं रहे हैं। नहीं तो कम ऑन, बता सकते हैं तो उसमें कोई क्या बात है? मूवीज में या सच में बहुत कम देखता हूं, तो हार्डली गेट टाइम टू वॉच। चलिए एक एम के बारे में आप बताइए, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस नहीं करते, उनका शॉर्ट टर्म गोल ज्यादा होते हैं। आपसे मैं पूछूं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है अभी इस वक्त, क्या आपका शॉर्ट टर्म गोल? जी, लॉन्ग टर्म गोल हमेशा माइंड में होता है कि मुझे अल्टीमेटली वो अचीव करना है, बट शॉर्ट टर्म गोल्स एक सीढ़ियों की तरह है, उनके ऊपर चल के ही लॉन्ग टर्म तक पहुंचेंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल अभी नेक्स्ट मंथ भोपाल में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और उसके बाद एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं इस साल, तो इन सब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी है और इनकी प्रिपरेशन में ध्यान है। आपने शूटिंग चूज की बहुत अर्ली एज में, अगर मैं पूछूं कि आपको क्या चीज सैटिस्फाई करेगी कि हाँ इसीलिए मैंने पिस्टल को उठाया था जी, जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब मैं सैटिस्फाई होऊंगा, वो ऐसी क्या चीज है जो आपको सैटिस्फाई करेगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैंने शूटिंग या फिर पिस्टल को ओलंपिक मेडल लेने के लिए उठाया था। हाँ। नहीं, मैं ओलंपिक नहीं कह रहा हूँ, बट सैटिस्फाई आपको क्या करेगा कि ये मैंने अचीव कर लिया? बता रहा हूं कि मुझे ओलंपिक मेडल लेना है या फिर कुछ अचीव करना है, इसलिए नहीं उठाया था। मेनली मुझे शूटिंग करने में मजा आता था, देखने में भी इतना अच्छा लगता था कि यार गोली चलाने को मिलती है, स्टार्ट विद एयर पिस्टल, उसके बाद कि 25 मीटर की पिस्टल चलाएंगे। तो इट्स मोर ऑफ इंटरेस्ट टू मी कि शूटिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज इसलिए ही मैं एंजॉय करता हूँ शूटिंग को, और दिन में 7-8 घंटे मैं रेंज पे बिता पाता हूँ, जस्ट बिकॉज आई लव शूटिंग। और अल्टीमेट एम के बारे में पूछूं कि ये मेरा अल्टीमेट एम है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है जी, क्या होगा आपका? एक हर एथलीट का जो भी गेम को स्टार्ट करता है उसका सपना होता है मुझे ओलंपिक मेडल लेना है, तो उसी की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मैं देश के लिए एक ओलंपिक मेडल ले पाऊँ। और पेरिस ओलंपिक ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 में ही है, तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ओलंपिक्स पेरिस वाले को ज़्यादा दूर नहीं है, क्वालिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इस साल 2 कोटा कॉम्पिटिशन है एंड ऑफ दिस ईयर, तो मेनली उसके लिए तैयारी चल रही है। और प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है अनीश आपके लिए? एक होता है कि मैं कुछ कंपटीशन में पार्ट लेता हूं तो मैं मेडल जीतने के लिए लेता हूं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन से आप बात करो वो ये कहते हैं कि जो मेन फोकस है वो प्रोसेस पे है, कि मेरा अपना सेटिस्फैक्शन लेवल, कि मैंने 100 में से 100 अपना 100% दिया है तो वो मेरे को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, रादर देन विनिंग मेडल्स। ऑफ कोर्स विनिंग मेडल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपने अपना 100% दिया या मेडल जीत के आया? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक एथलीट जब ट्रेनिंग करता है उसमें जो उसका प्रोसेस है, अगर वो सेम कंपटीशन में फॉलो कर पाया तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए वो है, बिकॉज अगर हम सेम प्रोसेस सेम टेक्निक कंपटीशन में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, और एटलीस्ट इट गिव्स कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी ये टेक्निक है, मैं इसे फॉलो कर पाया, तो जो फ्यूचर कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। ओके, ऑफकोर्स जब मेडल बंदा जीतता है तो खुशी तो बहुत होती है,
तो बिकॉज़ अल्टीमेटली हम ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कंपटीशन में मेडल, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आखिरी सवाल मेरा, यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, चाहे शूटिंग हो चाहे क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट हो, वो खेलना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है, इंडिविजुअल खेलना है या टीम स्पोर्ट खेलना है, उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं मानूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी गेम चुनना। बच्चों के लिए आजकल डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स और टीवी पे टाइम वेस्ट करना है, उससे बस ये टाइम है कुछ करने का, या तो स्टडीज़ में, यू नो, स्पोर्ट्स में, या फिर और बहुत सारे फील्ड्स हैं अभी तो इम्पोर्टेंट। और स्पोर्ट्स का एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते और चीज़ों के लिए, अपने फ्री टाइम पे आप एक अच्छी जगह टाइम इन्वेस्ट करते हो, उससे आप फिट भी रहते हो, मेंटली रिलैक्स्ड भी रहते हो, तो आपको हर चीज़ में हेल्प करता है। राइट, स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है, शायद पैशन बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं डालना है आपको, इन्जॉयमेंट के लिए पहले खेलना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। और जैसे आपने पहले भी कहा था कि जो सक्सेस का है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया अनीश हमसे बातचीत करने के लिए, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको पैरिस ओलंपिक्स के लिए और जो भोपाल में वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए। थैंक यू।